नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां अभिनंदा सरकार ने श्री सिद्धि विनायक में अपने गीतों से बांधा समा। साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां पाइप डालते वक्त हुआ बड़ा हादसा, मचा हड़कंप। और बताएंगे शाहजहांपुर में कैसे कठेरिया समाज के मेघावी छात्र छात्राओं को राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने किया सम्मानित। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बरेली में शनिवार को शैक्षिक सत्र 2024-25 में छात्र छात्राओं के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें मिस्टर फ्रेशर सार्थक बीटेक सीएस और मिस फ्रेशर श्रद्धा बीबीए को चुना गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन अनुपम कपूर, कोमल कपूर, एमडी अनुमोल कपूर, मुख्य कार्यकारी निदेशक प्रतीक कपूर एवं कार्यकारी निदेशक सिमरन कपूर ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पारोपण करके किया। डॉक्टर मनीष बाशने ने नवोदित छात्र छात्राओं का स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डीन एकेडमिक्स डॉक्टर सुधाकर जैन ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से छात्र छात्राओं में सामंजस्य, एकता, सहजता, समरूपता की भावना का विकास होता है। जी, आज आपके सिद्धि विनायक में फ्लाईओवर पार्टी हुई है सर, क्या प्रोग्राम था, क्या बच्चों को आपने संदेश दिया और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों के लिए? जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष वार्ष्णेय है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर से सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बरेली। आज हमारे कॉलेज में, पूरे कैंपस में जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीटेक हो, एमटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, बीबीए हो, बीसीए हो, मैनेजमेंट हो, एमबीए हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, सारे बच्चों की फ्रेशर पार्टी एक साथ थी। मिस्टर एसएसवीजीआई और मिस एसएसवीजीआई एक हमारे कॉलेज में चुना गया और अभिनंदा सरकार आई, जिन्होंने बच्चों को बहुत रोमांचित किया अपने बैंड के माध्यम से। संदेश यह है कि बच्चों को खाली पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तभी बच्चे का प्लेसमेंट होगा। हमारा कॉलेज 2009 से एस्टेब्लिश्ड है और हम लोग प्लेसमेंट के माध्यम से, एकेडमिक से माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम बच्चों को 100% नहीं, 500% प्लेसमेंट देते हैं और उसे एक अच्छा नागरिक बना के निकालते हैं। थैंक यू। बरेली से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। कोठी थाना क्षेत्र के कुम्हरावा गांव में उस वक्त तड़कम मच गया जब जर्जर छज्जा गिरने से बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गया और सरिया भी घुस गई। बुजुर्ग खून से लहूलुहान पड़ा हुआ था। छज्जा गिरने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंचे, देखा कि बुजुर्ग अली हुसैन मलबे के नीचे दबे पड़े थे। आनन फानन में उन्हें खींचकर बाहर निकाला। बुजुर्ग को लहूलुहान अवस्था में ग्रामीण नजदीकी प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए और इलाज करवाया। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता आफताब अहमद की रिपोर्ट। नगर के एक एक केस में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन रजिस्टर्ड की खागा तहसील की कार्यकारी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मत से सुनील दत्त तिवारी को तहसील का अध्यक्ष तथा प्रशांत केसरवानी को महामंत्री बनाया गया। वरिष्ठ पत्रकार ओम द्विवेदी, रामनारायण विश्वकर्मा, शिव शरण बंधु तथा केदारनाथ शुक्ला संरक्षक मंडल में रहेंगे। तहसील स्तरीय ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील इकाई का गठन जिलाध्यक्ष कुमुद तिवारी की देखरेख में हुआ। इसके पूर्व अमित शहीर पत्रकार शिरोमणि गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर पत्रकारिता करने की अपील की गई। मई जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ पत्रकारों को शॉल एवं माल्यार्पण के साथ सम्मानित किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां आशा ज्योति केंद्र से फरार हुई किशोरी। सकरावा थाना क्षेत्र के गांव की थी किशोरी। प्रेम प्रसंग के प्रकरण में पुलिस ने बरामद किया था। आशा ज्योति केंद्र पर काउंसलिंग के लिए लाई गई थी किशोरी। आपको बता दें कि बाथरूम के पीछे की क्षतिग्रस्त दीवार से किशोरी फरार हुई थी। करीब 10 घंटे से किशोरी को पुलिस तलाश कर रही थी। आशा ज्योति केंद्र स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कहा है, लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही होगी। थाना सकरावा पर मुकदमा अपराध संख्या 69/24 एक अभिक्ता की बरामदगी के संबंध में लिखा गया था, जिसमें कल थाना सकरावा पुलिस द्वारा अभिक्ता की बरामदगी की गई थी। CWC के आदेश से उसको जो है यहाँ वन स्टॉप सेंटर पे लाया गया था। आज सुबह
वो बाथरूम गई और वहीं पे रोशनदान के माध्यम से वो बाहर निकल गई और इस वन स्टॉप सेंटर की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। इसमें संदर्भ में जो है कोतवाली कन्नौज पर पुनः एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अपहर्ता की बरामदगी के लिए 3 टीमों को लगाया गया है। अगर इसमें किसी की लापरवाही परिलक्षित होती है उसके संबंध में भी जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर में रविवार को कठेरिया समाज कल्याण समिति ने नगर के अटल सभागार निकट अंटा चौराहा में एक सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान जिले के कठेरिया समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने सम्मानित किया। समारोह का शुभारम्भ मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद राज्यसभा मिथिलेश कुमार कठेरिया को कठेरिया समाज कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद ने अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कठेरिया समाज कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में संगठन चल रहा है और उसी के तहत इस वर्ष हर जिले में हर साल ही होते हैं लगभग, तो इस वर्ष यहाँ 8वीं बार कार्यक्रम हो रहा है और मैं अपने सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने मेधावी छात्र हैं मैं उनको सबको बधाई देता हूँ और समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सचेत हो जाएं, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे हमारे समाज का विकास हो सकता है और हमारे परिवार सुखी हो सकते हैं। आप भी खड़े हो जाओ। किस तरह का कार्यक्रम है आज यहाँ पर? ये कठेरिया कल्याण समिति शाहजहाँपुर की, जिन बच्चों ने हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं मेधावी छात्रों को आज सम्मानित कार्यक्रम रखा कर सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा है। अब इस जनपद में 8वां साल ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? हम यहाँ के युवाओं से, इन छात्र छात्राओं से अपील ये कर रहे हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्टअप योजना, कौशल विकास योजना के तहत जो काम किया गया है, जो इसके साथ ही अभी 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक संदेश दिया गया था लाल किले से कि हम इस देश के 1,00,000 नौजवानों को राजनीति में लाने का काम करेंगे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।